मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काव्य सरिता सिलेबस में रखी गई है, जिसमें सबसे पहला कवि कबीरदास पढ़ाया जाता है। आज मैं कबीरदास का परिचय बताना चाह रही हूँ। संत कबीर की जीवनी का निर्धारण जनश्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। कबीरपंथी उन्हें सत्पुरुष कहते हैं और उनका विश्वास है कि सत्पुरुष कबीर का तेज काशी के लहर तारा तालाब में संवत 1455 जेठ सुदी सोमवार को अवतरित हुआ था। कबीर के माता पिता नीरू जुलाहे और नीमा को माना जाता है। कबीरदास के गुरु रामानंद को बताया जाता है। सर्वमान्य तथ्य यह है कबीर की जाति जुलाहा मानी गई है और कबीर के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कोई उन्हें लहर ताला तालाब में छोड़ दिया जाना मानता है, लेकिन कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा जाति में हुआ था यह सत्य है। कबीर ग्रंथावली में कबीर ने स्वयं लिखा है पद संख्या 270 में, जाति जुलाहा मति को धीर हर्ष हर्ष गुण रमे कबीर। कबीर के नाम से अनेक ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन बीजक कबीरदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस संकलन में साखी सबदी और रमेनी शीर्षकों से इनके काव्य का संकलन किया गया है। कबीर को निर्गुण ब्रह्म के उपासक माना जाता है। उनकी उपासना पद्धति निर्गुण ब्रह्म पर आधारित है, लेकिन कबीर ने अपने इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए भी तत्कालीन समय में प्रचलित समस्त भक्ति पद्धतियों के समन्वित रूप को ग्रहण किया है। साथ ही अपनी पूर्ववर्ती साधना पद्धतियों का भी कबीर ने अपनी भक्ति के लिए उपयोगी माना है। कबीर की भक्ति साधना पर रामानंद की भक्ति भावना, सिद्धों और नाथों की साधना पद्धति, अद्वैतवादी विचारधारा और सूफियों के एकेश्वरवादी दर्शन और रहस्यवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उन्होंने राम के निर्गुण और निराकार रूप को माना है। कबीर का राम सर्वव्यापी है, वह मृग में कस्तूरी के समान प्रत्येक घट में निवास करता है। वह अलख है, निरंजन है, न उसका आदि है न उसका अंत है। कबीर सिद्धों और नाथों की चिंतन धारा और साधना विधि से भी प्रभावित है। सिद्धों की रचनाओं में जिस सहज समाधि का परिचय हमें प्राप्त होता है, कबीर ने उस साधना पद्धति को अपनाया है। कबीर की रचनाओं पर विचार करने पर यह पता चलता है कि वो अद्वैतवादी सिद्धांत से भी प्रभावित थे। कारण उनकी रचनाओं में ब्रह्म और जीव के अभिनत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है। उन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध इस तरह माना है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् बूझे ज्ञानी। कबीर की रचनाओं से ये पता चलता है कि वो इस्लामी एकेश्वरवादी धारणा से भी प्रभावित थे। सूफी दर्शन से भी उन्होंने चिंतन स्वरूप का निर्धारण किया है और इसी साधना पद्धति से उन्होंने रहस्यवाद को भी अपनाया है। कबीर ने अपनी भक्ति भावना में प्रेम तत्व का समन्वय करके
उसे मधुर, भावना प्रधान और प्रेम प्रधान बना दिया है। कबीर की साधना में गुरु का भी सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना है। क्यों? क्योंकि कबीर का ऐसा मानना है कि ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग हमें गुरु ही बताता है। इसलिए कबीर की भक्ति में हमें स्थान स्थान पर गुरु के महत्व का प्रतिपादन दिखाई देता है। संत कवियों में कबीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक समाज सुधारक थे। समाज निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कबीर ने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से समाज के नव निर्माण का भरपूर प्रयास किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म में उनको कोई बुराइयां नजर आई, उन्होंने उन सब रूढ़ियों, अंधविश्वासों और समस्त बुराइयों का निर्मूल विनाश के लिए प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। कबीर ने इस सत्य का उद्घोष किया है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है। ब्राह्मण, शूद्र, पंडित, मुल्ला, जैन, बौद्ध मनुष्य के ही रूप हैं। अतः कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत समस्त रूढ़ियों का खंडन किया है और सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का उपदेश दिया है। उन्होंने राम रहीम, केशव करीम के भेद को समाप्त किया है। इसलिए कबीर जहां एक उपदेशक के रूप में नजर आते हैं, वहीं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कबीर प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। वो पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी है और समाज सुधार के लिए प्रत्येक युग में प्रासंगिक रहेंगे। इसीलिए हिंदी साहित्य के भक्ति काल में, संत काव्य परंपरा में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए संत काव्य परंपरा पढ़ाते समय सर्वप्रथम कबीर को समझाया जाता है, कबीर को पढ़ाया जाता है।